तो आपको सब डिटेल में बताता हूँ। तो अभी हमारे पास शॉप के ओनर है, तो अभी माटी में भी मूर्ति अवेलेबल है प्राइस, और पीओपी में अवेलेबल। तो एक फुट का मूर्ति का प्राइस क्या है? एक फुट 1,000 से 800 एक फुट का। मतलब बेस्ट प्राइस में आपकी मूर्ति है। अगर मंडल के लिए भी अगर बेस्ट प्राइस में अच्छी अच्छी मूर्ति चाहिए होगा विदाउट एनी बार्गेनिंग, तो गाइस यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो। और बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज हम आए अभी अंबरनाथ वेस्ट में है, बरोबर चिंचपाड़ा के वहाँ पे। तो देखो गाइज यहाँ पर है चिंचपाड़ा, वहाँ पे चिंचपाड़ा का ऑटो स्टैंड है। रुको आप लोगों को बैक कैमरे से बताता हूँ। तो गाइज देखो यहाँ पे चिंचपाड़ा का ऑटो स्टैंड है, अंबरनाथ वेस्ट में है। और वहाँ से बस थोड़ी दूर पे यहाँ पे शॉप है जय संतोषी माँ मूर्ति आर्ट्स करके गाइज। तो यहाँ पे बहुत सारे मूर्ति है गाइज, बहुत क्यूट क्यूट मूर्तिज है यहाँ पे। अभी ये जो फ्रेंड है मेरा यहाँ पे, इसने ऑलरेडी यहाँ पे गणपति एक बुक किया है दिस ईयर के लिए। तो गाइज यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट गणपति है, तो आप लोगों को सब मूर्ति बताता हूँ। तो आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देखो, और आप लोगों को पूरा मूर्ति के मतलब जो प्राइस है सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा गाइज। तो एंड तक देखो और आप लोगों को पूरा डिटेल्स में प्राइस, डायमंड का जो प्राइस होता है वो सब बताऊंगा, धोती का क्या चार्जेस रहेगा। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिए गाइज। तो अभी आप उन शॉप के अंदर आ चुके हैं। तो अभी मैं आप लोगों को जिसकी बहुत सारी मूर्ति बताया यहाँ पे, अभी आप लोगों को यहाँ पे मूर्ति के रेट्स और मूर्ति पे मतलब डायमंड वर्क का कुछ अगर अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस होगा या फिर धोती है उसके अलग से चार्ज होगा तो आपको सब डिटेल में बताता हूँ। तो अभी हमारे पास शॉप के ओनर है, तो अभी उनको जरा मैं पूछ लेता हूँ कि मतलब आपके पास कितने फुट से कितना फुट तक का मूर्ति है? हमारा 1 फुट से लेके 4 फुट 5 फुट सब गणपति अवेलेबल है, बालू माटी भी अवेलेबल है। सब माटी में भी मूर्ति अवेलेबल है प्राइस, और पीओपी भी अवेलेबल। तो डायमंड वर्क का जो होगा वो अपने को एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा या कैसे? डायमंड वर्क अलग है, फेटिंग रोटी चौल सब अलग है। ठीक है, तो एक फुट का मूर्ति का प्राइस क्या है? 1,000 से 800 एक फुट का। तो प्राइस वो मतलब बेस्ट प्राइस में आपकी मूर्ति है। और 2 फुट का मूर्ति का क्या प्राइस होगा? 2 फुट का 2500 तो उसमें डायमंड का अलग, डायमंड का चार्जेस क्या होगा? 300 400 ISA अगर ओवर कराओगे तो 800 हो जाएगा। देखो डायमंड की चार्जेस भी इतना नहीं है, मतलब एज कम्पेयर टू अभी तक अपने जहाँ पे भी वीडियो बनाया
वहाँ पे मूर्ति के रेट मुझे इतने हाई थे, पर इधर इतना हाई नहीं लगा मुझे। तो आप लोग भी यहाँ पे आके मूर्ति बाय कर सकते हो, अगर आप लोग ने अभी तक बुक नहीं किया होगा तो। नंबर मैं हर्ष भाई का आप लोग को एक साइड में दे दूंगा नंबर, और एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जरूर विजिट करिए। और बहुत सारी मूर्ति यहाँ पे मट्टी का जो है आप मुझे एक बता दूंगी कौन सा मट्टी का। ये सर सारू माटी का, ये पूरा सारू माटी का मूर्ति है, और ये ऊपर का सब पीओपी का। नहीं, ये भी सारू माटी, ये भी पूरा पीओपी है। अच्छा, वो पीओपी है, और ये पूरा मट्टी का मूर्ति। जी जी, ठीक है। और यहाँ पे सब डेफिट में पीओपी, डेफिट में। और अगर मंडल के लिए मूर्ति चाहिए होगा तो आपको मिल जाएगा, हमारे औलादनगर में दुकान है, शॉप है वहाँ। हाँ सर, तो दोस्तों में आपको 4.5 फुट तक अवेलेबल। हाँ, तो हम लोग जैसे कि लास्ट संडे हम लोग ने भाई के उल्लासनगर में भी एक शॉप है बहुत, वहाँ पे बड़े बड़े मूर्ति है। अगर मंडल के लिए भी अगर बेस्ट प्राइस में अच्छे अच्छे मूर्ति चाहिए होगा विदाउट एनी बार्गेनिंग, तो गाइस यहाँ पे कांटेक्ट करो। और बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति है। डिस्प्ले में भी मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि डिस्प्ले में भी मस्त, मतलब यहाँ पे लाइटिंग लगाया है, तो लाइटिंग से मूर्ति का और इफेक्ट मतलब जो बहुत उठ के आ रहा है। तो अभी आप वीडियो एंड तक देखो, और बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट करना जरूर कि कौन सी मूर्ति आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी और मूर्ति बता दूँ आपको, चलो।
आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और कौन सी मूर्ति आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है प्लीज कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आने के लिए। तो गाइज मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, टिल देन बाय गाइज।